नमस्कार, शुभ संध्या, जोहार। 4 मार्च 2021 की खबरों के साथ यह है स्वदेशवाणी। इस समाचार के प्रायोजक हैं टीड्स इंट्रा। सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ मिलकर बोइंग ने बिना क्रू वाले लड़ाकू विमान लॉयल विंगमैन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक की पूरी। बोइंग डिफेंस के प्रेसिडेंट लीन कैरेट ने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ मिलकर बोइंग ने पूरी तरह से स्वचालित विमान का किया सफल परीक्षण। विमान को ऐसी लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें वह दूसरे पायलट वाले विमानों के साथ मिलकर लड़ सके। अफगानिस्तान में 3 महिला पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये महिलाएं एनिकास टीवी के लिए काम करती थीं। चैनल के निदेशक जलमई लतीफी ने बताया कि तीनों प्रसिद्ध भारतीय नाटकों और सीरियल्स को अफगानिस्तान की स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट और डब किया करती थीं। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हो रहे फैसलों पर भारत सरकार की तारीफ की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आर्थिक और सियासी हालात को पूरी तरह से सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा झटका। सीनेट के चुनाव में हारे वित्त मंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने दर्ज की जीत। आइए अब चलते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की ओर। देश में वैक्सीनेशन के साथ कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटे के अंदर 18 राज्यों में ठीक होने वालों से ज्यादा नए मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाए गए कोरोना संक्रमित। अन्नाद्रमुक की सुप्रीमो स्वर्गीय जयललिता की प्रमुख सहयोगी रही शशिकला ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की। शशिकला ने चिट्ठी जारी कर कहा, पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर रहें और आने वाले विधानसभा चुनाव में डीएमके को हराकर बड़ी जीत करें तय। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर की सख्त टिप्पणी। कहा, कुछ प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं पोर्नोग्राफी। दिखाई जाने वाली चीजों की होनी चाहिए स्क्रीनिंग। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को। आइए अब चलते हैं अपने झारखंड की खबरों की ओर। विधानसभा में अवैध खनन पर विपक्ष का हंगामा। बीजेपी की मांग, जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन और स्टीफन मरांडी के सवालों का जवाब दे हेमंत सरकार। झारखंड सरकार को झारखंड हाईकोर्ट की फटकार। गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या पर लिया स्वतः संज्ञान। कहा, गहरी नींद से जाग जाए राज्य सरकार। वोटर्स को दी गई है नई सुविधा। झारखंड के 1.20 लाख वोटर्स का डिजिटल आई कार्ड तैयार। 15 मार्च के बाद डाउनलोड कर सकेंगे सभी वोटर्स। इस बात की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी। अब कुछ खबरें खेल जगत की। अहमदाबाद टेस्ट। अक्षर और अश्विन का फिर चला जादू। इंग्लैंड की पहली पारी 205 पर सिमटी। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने बनाए सबसे अधिक रन। विंडीज ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। अकीला ने हैट्रिक ली। उनके अगले ओवर में पोलार्ड ने लगाए 6 छक्के। यूवी के बाद बने दूसरे बैट्समैन। ये थी अब तक की खबरें। इसके अलावा अन्य खबरों की जानकारी के लिए आए हमारी वेबसाइट swadeshwani.com पर या हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।